एक बार फिर से आपका हिंड इफेक्ट्स एकेडमी पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक हमें फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर कर लो, और वहां पे मैसेज करके आप हमें कुछ भी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो है यार इलेक्ट्रॉल को लेके, क्योंकि इलेक्ट्रॉल के बारे में काफी ज्यादा कमेंट थे कि भैया क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कुछ डाउट्स हैं आपके, वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी आप लोग रनिंग करते हो, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, इलेक्ट्रॉल कब कितना कैसे कब पीना है सब बताएंगे, लेकिन पहले ये समझो जब तुम लोग रनिंग करते हो और इसमें गर्मियां आ गई हैं, जब स्वेटिंग ज्यादा होती है, बॉडी से पसीना ज्यादा निकलता है, तो पसीने के साथ साथ सोडियम क्लोरीन और बाकी जितने भी 5 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब आपकी बॉडी से बाहर आते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से बाहर आते हैं तो उसका रीजन, उससे इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी बॉडी पे, जल्दी तुम लोग थकने लगते हो और चक्कर आने की समस्या बहुत ज्यादा होती है गर्मियों में, और साथ में जब भी आप रनिंग कंप्लीट होती है आपकी तो ऐसा लगता है वॉमिटिंग या उल्टी टाइप की हो रही है। ये कुछ प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हो जब आप रनिंग करते हो गर्मियों में। तो इलेक्ट्रॉल कैसे मदद करेगा वो हम आपको बताते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉल का पाउच खरीदने जाते हो तो उसके आप फ्रंट पेज पे देखना, मतलब फ्रंट जो होता है वहां पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या है। 5 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट और डेक्स्ट्रोज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम लोग स्वेटिंग करते हो उसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाएंगे। अब पीना कैसे है और कब पीना है, लड़कियां पी सकती हैं कि नहीं, सबसे पहले उसी सवाल का जवाब देते हैं कि लड़की लड़का कोई भी हो सब यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट मत किया करो कि क्या भैया लड़कियां यूज कर सकती है, ऐसे कुछ नहीं है। जो लड़के यूज कर रहे हैं आप नहीं कर सकते हो, हर डाइट हर वर्कआउट लड़के लड़कियों के लिए सेम होता है, बस इतना ध्यान रखो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप भी यूज कर सकते हो। आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम समझेंगे। देखो, इसको एक काम कर सकते हो, तुम लोग डेली इस्तेमाल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तब यूज करो जब तुम लोग ये देख रहे हो कि आज तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा दम नहीं है और तुम्हारी बॉडी मतलब ज्यादा थक रही, जल्दी तुम लोग थक रहे हो, और उस दिन तापमान कुछ बहुत ही ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, मतलब गर्मी है काफी ज्यादा, बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, उस दिन इस्तेमाल करना है। अब करना कैसे है ये समझो। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट आता है 20 रुपए का, लेकिन जब आप इसको सरकारी अस्पताल से खरीदते हो तो वहां पे आपको ये मिलता है मुफ्त में। ठीक है, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल जो होते हैं वहां पे ये पाउच नहीं, इसका छोटा जो पाउच होता है वो फ्री में मिलते हैं वहां पे, 5 या 6 रुपए का आता है लेकिन वहां पे फ्री में मिलते हैं। तो आप वहां से 1-2 ले सकते हो, जो भी अगर आप ले सकते हो, तो नहीं तो आप खुद खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपए का ये पाउच आता है, आप 1 लीटर बोतल जो पानी होता है आपके पास 1 से 1.5 लीटर, उसमें ये पूरा पाउच आपको मिला देना है, 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर जितना भी हो, 1.5 लीटर तक रखो, 1.5 लीटर में आपको ये पूरा पाउच अपना जो इलेक्ट्रॉल का है वो मिक्स कर देना। ठीक है, अब जब भी आप ग्राउंड जा रहे हो तो आपने मान लो एक शूट मार रहे हो, आप 100 मीटर की स्प्रिंट मार रहे हो, तो जैसे ही आपने एक स्प्रिंट मारी, आप 2-3-5 सेकंड का रेस्ट है, आप सिर्फ आधा घूंट पानी पियोगे इससे। ठीक है, आधा घूंट, ध्यान रखना क्योंकि पेट दर्द होने लगेगा फिर इससे, फिर क्रैम्पिंग आएंगी पेट में भी और मसल्स में भी। तो क्या करना है, तुम्हें सिर्फ आधा या 1 घूंट पानी पीना है और बस। उसके बाद क्या होता है, जब हमारी रनिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम जाके वर्कआउट करते हैं अपना, तो रनिंग और वर्कआउट के बीच में जो आप 5 से 10 मिनट का गैप लेते हो उसके अंदर आप 100 से 150 ml पानी यही इलेक्ट्रॉल वाला पी सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉल वाला पानी पी लिया 150-200 ml। अब जब भी आप रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जैसे कि आपने पुशअप्स मारे, मान लो आप पुशअप्स कर रहे हो, तो आप पुशअप्स करते करते जब थक रहे हो तब आप 1 घूंट पानी पी लो। कहने का मतलब ये है कि आप इकट्ठा पूरी आधी बोतल पानी खत्म मत कर दो, ये जो इलेक्ट्रॉल मिक्स किया है आपने, इलेक्ट्रॉल नहीं भी मिक्स किया है, नॉर्मल पानी पियो, तो आप इकट्ठा 0.5 लीटर पानी नहीं पी सकते हो। आप शिफ्ट में मतलब 1-1 घूंट करके, 2 घूंट, 100 ml, 50 ml, इस तरीके से पानी को डिवाइड कर करके पियो, ताकि आपकी बॉडी का जो फ्लूड लेवल है वो भी मेंटेन रहे और आपका पेट भी ना भरे, ताकि आपका जो पेट में क्रैम्पिंग आती थी दौड़ते समय, पेट दर्द होता था, वो समस्या झेलनी पड़े। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, 1-1 घूंट 2-2 घूंट करके पीना है ये इलेक्ट्रॉल वाला पानी, और बहुत ज्यादा एक साथ नहीं पीना है, नहीं तो होगा पेट में दर्द। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। इलेक्ट्रॉल सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में मुफ्त मिलता है, अगर आप शहर से हो तो आप परचेज कर सकते हो, 20 रुपए इतने कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, और डेली जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर या परसों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।